बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कॉमर्स जोन पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं टीएस ग्रेवाल का पार्टनरशिप फंडामेंटल से, जो कि लास्ट टॉपिक है गारंटी प्रॉफिट। इस गारंटी प्रॉफिट का जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं 94, ये क्वेश्चन अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है और अनोखा क्वेश्चन है। तो जरा देखिए इसको कैसे करना है। तो करने से पहले हमें क्वेश्चन को रीड करना है। सबसे पहले क्या कह रहा है, थ्री चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अभिजीत, बलजीत, चरणजीत फॉर्म अ पार्टनरशिप। तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलके एक पार्टनरशिप फॉर्म की। फिर क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2:1, और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:2:1 था। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, अब फॉलोइंग क्या क्या दिया है इसमें। ए कह रहा है चरणजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड टू बी नॉट लेस देन ₹15,000 पर एनम, कि चरणजीत का जो मिनिमम प्रॉफिट होगा, वो गारंटीड प्रॉफिट है, वो कितना है, 15,000। चरणजीत को ₹15,000 के प्रॉफिट की गारंटी दी गई है। फिर क्या कह रहे हैं, बलजीत गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्न बाय हिम फॉर द फर्म शैल बी इक्वल टू हिज एवरेज ग्रॉस फी ऑफ द प्रिसीडिंग 5 ईयर्स। कह रहा है बलजीत ने जो है फर्म को गारंटी दी है कि मैं पिछले 5 साल में जो एवरेज मेरी फीस अर्निंग है, ठीक है, उतना मैं फर्म को कमा के दूंगा, ठीक है। व्हेन ही वॉज कैरिंग ऑन अ प्रोफेशन अलोन, मतलब अकेले जब वो बिजनेस को करता था, यानी जो अपना प्रोफेशन है सीए का काम, वो जब अकेले करता था, तो उसका जो एवरेज अर्निंग है 5 साल की, वो अर्निंग वो यहाँ पे कमा के देगा बिजनेस को। और उसमें क्या दिया, विच ऑन एन एवरेज वर्क आउट एट ₹25,000। कह रहा है कि जो उसका एवरेज अर्निंग है पिछले 5 साल का, वो कितना है, 25,000, वो हमें पता चल गया। अब क्या कह रहा है, प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द पार्टनरशिप इज ₹75,000। भाई पहले साल का जो प्रॉफिट आया वो 75,000 आया। द ग्रॉस फ्री फी अर्न बाई बलजीत फॉर द फर्म इज ₹16,000। देखो यहाँ पे बलजीत ने गारंटी दी थी कि हम ₹25,000 मिनिमम में कमा के दूंगा साल में, लेकिन एक्चुअली वो अर्न कितना कर पाया, ₹16,000। तो सबसे पहली चीज़ तो बलजीत ने जो 25,000 की गारंटी थी वही नहीं पूरी हुई। तो चलिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ से आपको कहा गया है, यहाँ पे कहा गया यू आर रिक्वायर्ड टू शो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द अबव, ठीक, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को कहा गया है। तो चलिए देखिए कैसे बनेगा। जैसे कि आप सबको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा जो है कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, पर्टिकुलर अमाउंट, यही तो फॉर्मेट है हमारा, तो यही हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, ठीक। ये देखिए हमने फॉर्मेट बना लिया, यहाँ आ जाएगा आपका पर्टिकुलर, ठीक, ये अमाउंट, फिर आ गया पर्टिकुलर एंड अमाउंट, और हमारा ये है क्रेडिट साइड और ये है हमारा डेबिट साइड। तो देखिए जब हम पेंडल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या डालते हैं, बाई नेट प्रॉफिट, ठीक, क्या डालते हैं, नेट प्रॉफिट। तो जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट गिवन है वो कितना है, 75,000, ठीक। और इसी क्वेश्चन में हमें ये पता चल रहा है कि जो बलजीत है उसने फर्म को गारंटी दी थी कि मिनिमम ₹25,000 का प्रॉफिट वो देगा या फीस अर्न करके देगा ये एनुअली, बट एक्चुअल में जो ग्रॉस फी रिसीव हुई है अर्न बाई बलजीत है वो कितना है, 16,000, ठीक। तो अब जो गारंटी दी थी बलजीत ने कितने के लिए थी, 25,000 की, बट आया कितना, ₹16,000, ठीक। तो अब यहाँ पे जो फर्म को गारंटी दी थी, किसको गारंटी दी थी बलजीत ने, फर्म को, तो फर्म की डेफिशिएंसी कितनी आएगी, कितना डिफरेंस आ रहा है जो फर्म को मिलना चाहिए था। बलजीत के अकॉर्डिंग ₹25,000 मिनिमम फर्म को प्रॉफिट होना चाहिए था, बट एक्चुअल में आया कितना, ₹16,000, ठीक। तो अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, फर्म की डेफिशिएंसी, यानी फर्म को उतना रुपए कम मिला।
तो कितना आएगा 9,000 रुपीज़। ठीक, तो फर्म को 9,000 रुपये की डिफरेंस है। अभी जो डेफिशिएंसी है, जो भी फर्म को मिलना चाहिए था 25,000 लेकिन मिला 16,000, तो अब इसमें क्या कौन पे करेगा? जिसने गारंटी ली, गारंटी किसने ली है? बलजीत ने। ठीक है, तो बलजीत विल पे 9,000, ठीक है, टू द फर्म। तो अब इसे शो कैसे करेंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम आएंगे क्रेडिट साइड, बाई किसने गारंटी ली थी? बलजीत ने। किसने? बलजीत ने। तो बलजीत कैपिटल अकाउंट, ठीक, तो बलजीत का कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा? 9,000 रुपीज़ से 9,000 का डिफरेंस आया था, तो बलजीत विल पे 9,000। बलजीत 9,000 रुपये फर्म को देगा अपने पास से प्रॉफिट, इसलिए बलजीत कैपिटल अकाउंट आ रहा है। अब क्या कह रहा है कि जो भी प्रॉफिट आएगा उसको हमें, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है नहीं, कोई सैलरी तो है नहीं, कोई कमीशन तो है नहीं, सीधा आ जाएगा टू डिविजिबल प्रॉफिट बल प्रॉफिट। ठीक है, तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आ जाएगा? अब आप इन दोनों को टोटल कर लीजिए, कितना आ रहा है? 84,000। यानी यहाँ पे भी जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा? 84,000 होगा। ठीक, तो ये 84,000 क्या होगा? डिजिटल प्रॉफिट। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाकी पार्टनर्स को, क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो जो 84,000 है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन कौन पार्टनर है हमारे? अभिजीत, बलजीत एंड चरणजीत, है ना। तो ये निकाल लेते हैं, अभिजीत प्रॉफिट्स निकालना हमें। अभिजीत का प्रॉफिट कितना आ जाएगा? तो हमारा 84,000 है। और क्वेश्चन में हम चेक कर लेते हैं इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। ठीक, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। ठीक, अब जैसे यहाँ पे आपको इसका निकालना है, अभिजीत का, कैसे निकालोगे? आपको 84,000 आ गया प्रॉफिट। ठीक, इस 84,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो इंटू 3/6। ठीक, फिर इसी तरह से बलजीत का निकाल लो, 84,000 इंटू 2/6। और फिर चरणजीत का जब निकालोगे तो कितना आएगा? 84,000 इंटू 1/6। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए सभी लोग कितना कितना आएगा। तो जैसे यहाँ पे 6 है, चलिए इसको डिवाइड कर लीजिए, 6 × 6 = 24, 14,000 आएगा। 14 इंटू 3 कर दो कितना आएगा? 3 × 0 = 3, 4 × 12 का 2 बचे 1, 3 × 3 + 1 = 42,000। इस तरह से इसका आप कैलकुलेट कर लोगे, 14,000 आएगा। ठीक, इंटू 2 कितना हो गया? 28,000। फिर इसके बाद यहाँ कितना आएगा? इसका भी आ जाएगा सेम वही। ठीक, इंटू 1 कर दोगे तो कितना आ गया? 14,000 आ गया। 14,000 का हमने प्रॉफिट की गारंटी दी है किसको? सॉरी, हमने जो सी का गारंटीड प्रॉफिट हो कितना है? 15,000। बट एक्चुअली में सी को मिला कितना? 14,000। तो सी की डेफिशिएंसी कैलकुलेट कर लीजिए, 14,000 को, सॉरी पहले हम डेफिशिएंसी निकालें। गारंटी कितनी दी थी हमने? 15,000 की दी थी सी को, बट एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ? 14,000 का। ठीक, तो यहाँ पे जो डेफिशिएंसी आ रही है कितना आ रहा है? 1,000 रुपीज़। कितना आ रहा है? 1,000। ठीक, अब 1,000 आ गई सी की डेफिशिएंसी, एंड हु विल पे दिस डेफिशिएंसी? ए एंड बी, अभिजीत एंड बलजीत। तो कैसे पे करेंगे? 1,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है, तो पेड बाई जैसे हो जाएगा, यहाँ पेड बाई पर। ठीक, अब क्या है यहाँ पे? तो 1,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे दो पार्टनर ही हैं, ये पार्टनर तो आपका चेंज हो गए। ठीक,
कहने मतलब जिनका वन रेशियो है इनका तो हम निकाल चुके हैं, तो डेफिशिएंसी कौन पे करेगा, ए और बी, तो ये दोनों हो गए अभिजीत और बलजीत, तो कर लीजिए इसको सॉल्व। अभिजीत का कितना आ जाएगा, वन थाउजेंड आया डेफिशिएंसी, तो 1000 इंटू 3/5। इसी तरह से बलजीत का है 1000 इंटू 2/6, क्या है रेशियो, 2/6 नहीं होगा, 2/5 होगा। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट, ये क्या गया पेड बाई फर्म, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 600 और ये आ जाएगा आपका 400। ठीक, तो अब इसका करना क्या है, ये जो आया, ठीक है, तो ये जो भी आएगा इसको हम क्या करेंगे, 600 आया जैसे उसका, तो ए के प्रॉफिट में से 600 माइनस कर दीजिए। ठीक, बी का कितना आया, 400 आया, 400 आप इसमें से माइनस कर दीजिए। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम, तो डेफिशिएंसी मिल गई और डेफिशिएंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमें आंसर मिल गया कितना आएगा, 41,400। ठीक है, क्या 41,400। ठीक, फिर 28,000 माइनस 400 कर दो कितना है, 27,600 आएगा। ठीक, बाकी तो ये इसमें कितना होगा, 1000 ऐड हो जाएगा, क्या होगा, 1000 ऐड, तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया, 15,000 हो गया। क्लियर है यहाँ पे, तो होप्स आपको ये समझ में आएगा गारंटी प्रॉफिट कैसे किया जाता है और इसको हमने कैसे सॉल्व किया, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।